कुख्यात बदमाश पर अंधाधुंध फायरिंग, 5 को लगी गोली, गैंगवार की आशंका। उत्तर प्रदेश के बागपत में 1,00,000 के कुख्यात इनामी बदमाश रहे परमवीर तुंगाना समेत 5 लोगों पर गाड़ी सवार आधा दर्जन बदमाशों ने अंधाधुंध गोलियां फायरिंग कर दी, जिसमें सभी 5 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उठाकर प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनकी गंभीर हालत देखते हुए सभी को मेरठ के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल घटना के बाद पुलिस हमलावरों की तलाश में जुट गई है। पुलिस आशंका लगा रही है कि कहीं ये घटना किसी गैंगवार से तो जुड़ी हुई नहीं है। दरअसल घटना सोमवार देर रात की है, जब 1,00,000 के इनामी बदमाश रहे परमवीर तुंगाना अपने 4 साथियों के साथ कुर्डी गांव में देशपाल के मकान पर बैठा हुआ था। उसी समय एक गाड़ी वहां आई, जिसमें सवार बदमाशों ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग होते ही गांव में बैठे सभी लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और ग्रामीणों ने मिलकर घायलों को बड़ौत के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से सभी की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि कुख्यात परमवीर तुंगाना को 3 से 4 गोली लगी है। सूचना के बाद SP बागपत अजय कुमार ने जनपद की सभी चौकियों पर अलर्ट कर दिया और सघन चेकिंग के सख्त आदेश दिए हैं। घायल तो हम तो दो नंगड़ के दोनों घायल है। और का बारानी कौन है भाई घायल? घटना हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की, पूरा मामला क्या है? ये लगभग 7:30 बजे की घटना है। ये परमवीर तुगाना अपने साथियों के साथ वहाँ पर एक कुर्डी में देशपाल हैं उनके मकान पर थे, घर पर। तभी कांदला साइड से एक क्रेटा गाड़ी आई है, जिसमें से 5 लोग बताए जा रहे हैं कि वो लोग उतरे और उन्होंने फायरिंग की, जिसमें परमवीर और उसके साथियों को गोली लगी है। और इस संबंध में बाकी जानकारी की जा रही है। परमवीर और उसके कुछ साथियों को रेफर कर दिया गया है, वो मेरठ गए हैं और कुछ लोग यहाँ, 2 लोग यहाँ पर मेडिसिटी में आए हैं। गैंगवार है क्या ये? अभी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं मिली है, परमवीर से बात नहीं हो पाई है, अभी वो बात करने की स्थिति में नहीं है। जैसे ही नाम आएंगे। परमवीर कितनी गोली लगी, क्या जानकारी मिल रही है आपको? ये भी कहना जल्दबाजी होगा, जब डॉक्टर उसको देख लेंगे तभी बता पाएंगे। क्या कोई रंजिश की बात सामने आई कि परमवीर की से रंजिश चल रही हो? परमवीर का चूंकि अपना खुद का आपराधिक इतिहास रहा है, इसलिए कह नहीं सकते कि रंजिश में हुआ है या किस वजह से हुआ है, पर अभी परमवीर ने कुछ भी नहीं बताया। परमवीर के ऊपर पहले मुकदमे रहे हैं, मर्डर वगैरह के उस पर मुकदमे रहे हैं यहाँ के, तो अभी ये कह नहीं सकते कि उसके ऊपर किसने हमला किया। जैसे ही वो उससे बात करने की स्थिति में होगा, उससे पूछ लिया जाएगा कि किन लोगों ने हमला किया। थैंक यू।